हेलो बच्चों, वेलकम टू सबका टॉपर। और आज हम आपके क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन हम लोग डाल रखे हैं, और इंट्रोडक्शन जो अभी तक गया है उसमें हम लोग ये चीज़ सीखे थे, उसका रिकैप करूँ थोड़ा सा, कि उसमें नेचुरल नंबर सीखा था हमने, होल नंबर सीखा, फिर रेशनल और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट आया था, जैसे फिर रियल नंबर को हमने डिफाइन किया था, और फिर सम एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोग, जहाँ पर हम लोग कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर का कंसेप्ट था वो हम क्लियर किए थे हम लोग, और इसे पीछे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे चीज़ हम लोग क्लियर कर रखे हैं। और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि रेशनल नंबर का क्या कंसेप्ट है। अगर रेशनल नंबर मिला हुआ है हमको, तो अगर दो रेशनल नंबर आए पास, सपोज करो एक्स और वाई है, तो उसके बीच में हम फिर रेशनल नंबर इवेल्युएट कर सकते हैं। और देयर आर एन मेनी रेशनल नंबर्स, है ना, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स लाइक एक्स एंड वाई, कोई भी हो, दो रेशनल नंबर, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड। सो इज द पॉइंट, इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना, कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर, सपोज को एक्स एंड वाई दो रेशनल नंबर, एक्स एंड वाई दो रेशनल नंबर है, तो इन बिटवीन हम सबसे पहले ये दो नंबर के बीच में एक नंबर डिजिट कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई बाई टू कर देंगे, ये एक नंबर हो गए। तो अब अगर एक्स और वाई के बीच में एक्स प्लस वाई सपोज को यहाँ रख देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका कंसेप्ट ये है, एक्स और एक्स प्लस वाई अपॉन टू आ गया और वाई आ गया, अब ये तीन नंबर हो गए, एक नंबर यहाँ पर बीच में मिल गया हमको। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बीच में हम एक नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक नंबर बीच में ले सकते हैं, फिर वाई एक्स प्लस वाई बाई टू और वाई के बीच में एक नंबर निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ है, जिसके सहारे हम इनफिनाइट नंबर ऑफ इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एवरेज रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। अब इसका कंसेप्ट यह है कि डेसिमल के रूप में हम रेशनल नंबर, सारे जितने हमारे रेशनल नंबर होंगे उन सभी को हम डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि 1/3, है ना, 1/2 एटसेट्रा। इस तरह से हम देखें कि 1/2 अगर होगा तो 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 इज़ हाउ मच, 0.5। अब यहाँ पर कंसेप्ट यह है 0.5 हो गया, और 1/3 अगर करते हैं तो फिर इसका क्या कंसेप्ट होगा, इसका डेसिमल के बाद क्या होगा, रिपीट होते जाएगा, तो यहाँ रिपीटेशन की बात है, 0. जैसे कि 0 करेंगे फिर 3 होगा, फिर 3 होते जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, दिस इज़ द कंसेप्ट। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर जो 1/2 का कंसेप्ट हमने देखा, 1/2 में 0.5 क्या हुआ, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, है ना। और 1/3 के कंसेप्ट में हमने देखा तो क्या देखा, 0.33333 ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे भी हम लोग फोकस कर सकते हैं, कि इसमें फोकस करने का मतलब क्या हुआ, कि टर्मिनेटिंग वो रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग होगा, कब, जब डिनोमिनेटर में हमारा क्या होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स, द डिनोमिनेटर, इसका हम लिख देते हैं आप लोग, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर अगर क्या होगा, रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कंटेंस, है ना, कंटेंस नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन टू और फाइव और बोथ, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब समझ में आ गया
कि अगर दो और पाँच के अलावा, दो और पाँच के अलावा कोई नहीं हो, है ना, अगर दो और पाँच जो हो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, अगर सपोज दो दिए तो डिनोमिनेटर दो आ गया हमारा, अगर सपोज करो फाइव दे दिए डिनोमिनेटर फाइव आ गया, तो ये दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा नहीं हो, यही सिर्फ हो, है ना, या और कोई दो इंटू पाँच हो जाए, इसका फैक्टर के रूप में आ जाए, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट डेवलप हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दो वाला में देखिए आप वन बाई टू में क्या होगा, वन बाई टू में 0.5 आ रहा है हमारा, वन बाई फाइव में क्या होगा 0.2 हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। तो दिस इज द पॉइंट, इस तरह से लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे, क्वेश्चन में देखते चलेंगे हम, आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। ओके, उसके आगे हम क्या देखते हैं कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल ए नंबर इन द टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर इसमें देखें हम ए नंबर इन द टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड टू वन इन द रेशनल नंबर फॉर्म, है ना, इन द रेशनल फॉर्म। अगर हम ये देखें कि नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो नंबर होगा उसको अगर रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो हमको, है ना, टर्मिनेटिंग द रेशनल फॉर्म, तो किस तरह से होगा, तो इसका बाय समिंग, इसमें बाय समिंग द रेशनल फॉर्म, बाय समिंग समिंग द प्लेस वैल्यू, बाय समिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स, ऑफ ऑल द डिजिट्स। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑल वैल्यू ऑफ द डिजिट, अब प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वैल्यू, हमने देखा था कि प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट, जो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट है वो हमने सीखा है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की क्या बात होती है। अगर सपोज करो इसके कंसर्न में हम देखें कि एक नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल का कोई नंबर है, जैसे कि 0.5 था या 0.33 को जो भी है, इस तरह से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल देखना है, जैसे सपोज करो 0.25 हो रहा है ना, तो इसमें जो है आपका क्या कहता है, इसको अगर रेशनल में कन्वर्ट करना होगा हमको, तो इसके प्लेस वैल्यू को क्या करते हैं, सम करते हैं, प्लेस वैल्यू को सम करते हैं। तो इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अगर सपोज करो 3, 2, 4 होता है, तो इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 का प्लेस वैल्यू 4 होगा, 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 2 का प्लेस वैल्यू 20 होगा, 3 का प्लेस वैल्यू 300 होगा, है ना। तो इन सभी को अगर जोड़ देते हैं, तो सिमिलर वे में यहाँ भी कहने की बात है कि अगर यहाँ पर 5 को देखें तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो रहा है, अगर यहाँ ये प्लेस वैल्यू हो रहा है, ये इसका इस सभी का प्लेस वैल्यू हो रहा है, प्लेस वैल्यू, है ना। अगर फेस वैल्यू कहा जाएगा तो फेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट इटसेल्फ पर जो नंबर होते हैं वही हमारा फेस वैल्यू होता है, तो इसका फेस वैल्यू 4 होगा, फेस वैल्यू इसका 4 ही होता है हमारा, ये फेस वैल्यू 4 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, और 2 का 3 ही रहेगा, सॉरी 3 का 3 ही रहेगा फेस वैल्यू, और 2 का 2 ही रहेगा, मतलब जो भी नंबर्स होंगे वो सेल्फ वो उसका फेस वैल्यू होता है, और प्लेस वैल्यू हमारा बदल जाता है। तो यही कहता है इसमें क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू 5/100 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 0. अगर 5 का प्लेस वैल्यू हम देखेंगे तो ये क्या होगा 0.05 हो जाएगा, यानी ये 5/100 हो गया, ये प्लेस वैल्यू हो गया। अगर 2 का देखें प्लेस वैल्यू यहाँ पर, तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 हो सकता है ये, तो 2/10 और 5/100 जब करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, अगर 100 लें या 10 लें तो 100 यहाँ पर 25/100 हो जाएगा। तो ये रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस इज द रेशनल फॉर्म, यही कंसेप्ट है। ए यूजफुल रिजल्ट टू कन्वर्ट ए नंबर इन द रेकरिंग डेसिमल फॉर्म डेसिमल फॉर्म टू द रेशनल फॉर्म। अब ये कह रहा है कि अगर नंबर सिस्टम रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म पीछे देखे हम लोग कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में एक देखे थे, रिकरिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग रूल होगा रेशनल नंबर, वो अगर उस तरह का आ रहा है डेसिमल, तो उस नंबर को हम किस तरह से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसका एक फार्मूला है यहाँ पर कि जो डेसिमल आपको दिया हुआ है ना उसको इक्वल टू करते हैं इंटीग्रल पार्ट, जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसको, और प्लस करते हैं नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट डिवाइडेड बाय नंबर फॉर्म बाय द सेम नंबर ऑफ नाइन्स, नाइन से बनाएंगे उतना ही सेम नंबर
बाय नंबर फॉर्म बाय द सेम नंबर ऑफ नाइन्स, नाइन्स का उतना ही नंबर लेंगे एज द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में जितने जितने नंबर्स होंगे उतने नंबर्स नाइन का लेकर उसको डिवाइड कर देंगे हम। तो इसका सम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें हम, फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे आप, जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग में आ रहा है 0.7, अगर 0.7 सपोज रिकॉर्डिंग में आ रहा है तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो यहाँ जीरो हो रहा है, तो जीरो प्लस नंबर कौन सा फॉर्म हो रहा है, नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, कौन सा डिजिट है, सेवन है, तो एक ही डिजिट है यहाँ लिखा हुआ, तो एक सेवन यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर जो करेंगे इसका हम, नंबर फॉर्म बाय द सेम नंबर ऑफ नाइन्स, अब सेम नंबर मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बाद कितने इन नाइन्स एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में यहाँ डिजिट कैसे हुआ, एक डिजिट है, तो एक नाइन से एक नंबर बना दी, ये इसका कन्वर्जन हो गया, है ना। तो ये आंसर हो गया 7/9। सिमिलर वे में अगर एक रिकरिंग सपोज रिकरिंग नंबर आपके पास सपोज करो 2.49 है, यहाँ पर 49 पे रिकरिंग चल रहा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखें हम इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे, इंटीग्रल पार्ट इसका 2 हो गया, प्लस अब नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, नंबर कौन सा फॉर्म हो रहा है डेसिमल पार्ट में, प्लस 2 प्लस 49 हो गया, और डिवाइडेड बाय कितने नंबर, नंबर फॉर्म बाय द सेम नंबर, अब दो ठो नंबर था यहाँ पर 1, 2, 4, 9 में दो नंबर आ रहे हैं, उतने नंबर ऑफ नाइन्स ले लेंगे, है ना, उतने नंबर ऑफ नाइन एज द नंबर ऑफ डिसिमल, उतने नंबर ऑफ नाइन यहाँ ले लिए, तो ये हमारा इस तरह से कन्वर्जन हो गया। सिमिलर वे में अगर सपोज करो 5.04 है, 5.04 है, इसका मतलब 5 हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, और 04 में क्या हुआ, 4 आपका नंबर बन रहा है डिजिट्स में, तो 4 बन गया, और उसके बाद यहाँ पर नीचे हम देखेंगे ये दो डिजिट से दो नंबर है, तो 4/9 एट्सेट्रा, इस तरह से हम लोग इसको व्यू करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम एग्जांपल में जब देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद एक और इसमें कंसेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि नंबर जो आते हैं हमारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर आएगा, नंबर तो यहाँ पर देखें हम, ये नंबर कैन हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह का फॉर्म आ सकता है, नंबर कैन हैव डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, अब फॉर्म कौन सा होगा, पहला हमने सीखा क्या, टर्मिनेटिंग, अभी सीखे हम लोग टर्मिनेटिंग, है ना, ये टर्मिनेटिंग सीखा, दूसरा क्या सीखे, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग में आ गया हमारा 1/2 का कंसेप्ट लिए थे हम, टर्मिनेटिंग आ गया, 1/3 का कंसेप्ट लेंगे तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। जैसे कि जैसे सपोज करो 1/7 हो गया, या 1/7 नहीं 1/3 ले लो आप, 1/3 ले लो, तभी देखें हम लोग 0.33333, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है बट रिपीटिंग हो रही है, तो इसको हम क्या करते हैं 0.3 और रिपीटिंग रिकरिंग के लिए डाल देंगे, ओके। और थर्ड वन जो कंसेप्ट है, थर्ड वन नंबर का टू फॉर्मेट बनेगा हमारा, वो फॉर्मेट आया था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसमें आप कुछ इस तरह का ले लोगे ना कि जिससे आपको ये हो कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यहाँ ये दोनों जो है ये रेशनल, वन एंड टू जो है हमारा वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, वन एंड टू ये इसको रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेशनल नंबर्स का होता है रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और थ्री जो है आपका वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, और इसमें हम यही कहते हैं कि इरेशनल नंबर की बात होती है और रेशनल नंबर की बात होती है। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, इसके बाद हम एक्सरसाइज में और सारे डिटेल्स को लेकर साथ आएंगे, बट आपका ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और स्टडी हैज टैक विथ मी। सब्सक्राइब कीजिए सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए।